किस तरह खेसारी को इस जगह पछाड़ते हुए पवन सिंह ने नंबर वन की कुर्सी हासिल कर ली है। जी हाँ, पवन सिंह भोजपुरी के उन कलाकारों में शामिल हो चुके हैं जिनके गाने आते हैं और चंद घंटे में 10 लाख के व्यूज़ यानी 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आराम से क्रॉस हो जाते हैं। और ऐसे में जो हमारे भोजपुरिया जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो पवन सिंह पर पैसा लगाने के लिए पूरी तरह से अब बेफिक्र हो चुके हैं। पवन ने जो अपनी एक इमेज थी पुदीना ए हसीना वाले गाने से वो भी तोड़ दी है। अब पवन ने एक दरवाज़ा खोल दिया है अपने लिए कि हाँ, वो हर तरह के वर्क के लिए अब कैपेबल हैं। शायद पवन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कोई क्या न्यूज़ चला रहा है, क्या न्यूज़ नहीं चला रहा है। खैर, हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से पवन नंबर वन बने हैं खेसारी लाल यादव से। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो है कि खेसारी लाल यादव का गाना आया था 2 दिन पहले कि चाची की बातचीत सपनवा में आती है, जिसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ, जिसे अश्लीलता का नाम करार दिया गया। और फिर उसके बाद ये गाना तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन बाकी ने इसका विरोध किया। लेकिन पवन के साथ ऐसा नहीं है। पवन के साथ अब अगर आप उनके गानों के बोल भी देखेंगे तो वो अश्लीलता से काफ़ी हटते जा रहे हैं। और तो और, अब अगर आप उनके गाने भी देखेंगे तो गानों में जो क्वालिटी है, जिस तरह से इमेज तोड़ी है पवन सिंह ने, एक स्टार सुपरस्टार की जो इमेज थी कि पवन कभी भी इस तरह के गेटअप में नहीं आते थे, और ये इमेज तोड़ना एक बहुत ही बड़ा किसी को करेज चाहिए होता है। और जिस तरह का करेज पवन सिंह ने दिखाया है, हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज इट्स नॉट ईजी इफ यू आर सुपरस्टार, स्पेशली इन भोजपुरी। आप ये जानते हैं कि आप बॉलीवुड में एक बार इमेज तोड़ सकते हैं, साउथ में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन भोजपुरी में आप इमेज नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपका जो फैन है आपको हमेशा उसी रूप में देखता है। खैर, अब हम आपको यहाँ ये बताने वाले हैं कि पुदीना ए हसीना नाम से जो गाना आया है पवन सिंह का, वो किस तरह से उन्हें नंबर वन की लेवल में खड़ा कर दिया है। वैसे आजकल पवन सिंह को फॉलो करने वाले लोग ये देख रहे होंगे कि पवन सिंह जिस तरह के गाने लेकर आ रहे हैं, फिर वो चाहे सैड सॉन्ग हो, चाहे लोकगीत हो, या फिर कोई भी रोमांटिक सॉन्ग हो, उसमें पवन अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ जुट रहे हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बात है। अगर भोजपुरी में कोई भी कलाकार इस तरह से जुड़ता है तो वो अपनी एक इमेज सेट करता है, और पवन ने यहाँ अपनी जो इमेज सेट की है वो काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं कि नंबर वन के पोजीशन की। तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पवन हो, खेसारी हो, अंकुश राजा हो, या फिर अरविंद अकेला कल्लू हो, रितेश पांडे हो, यंत्रा सिंह प्रियंका हो, या शिल्पी राज हो, जी हाँ, इन सभी के गानों को YouTube पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, YouTube के म्यूज़िक सेक्शन में। और अब पवन सिंह के गाने को बहुत ही यूज मिल रहा है, और ये पवन सिंह के लिए प्लस पॉइंट। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।